बूंदी जिले के एक गांव में अवैध संबंधों के शक के कारण भाई ने शनिवार को अपने ही छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके साथ उसे अपने भाई के अनैतिक रिश्ते होने का शक था। हत्या के बाद आरोपी खेतों में छिप गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बूंदी में तालेड़ा के भरता बावड़ी गाँव में उच्छव मीणा का परिवार रहता है। आज सुबह घर से चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सन रह गए। लोगों ने देखा कि उच्छव का बेटा कैलाश मीणा जमीन पर खून से लथपथ था और वो चीख रहा था। साथ ही कैलाश की भाभी घायल थी। लोगों को देखकर यहां खड़ा उसका भाई गिरिराज मीणा भाग छूटा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर कैलाश और महिला को बूंदी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से कैलाश को कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा में इलाज के दौरान कैलाश ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने गिरिराज को पकड़ने के लिए टीम गठित की और उसे खेतों से पकड़ लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी की पत्नी से भाई के अनैतिक संबंध थे। बीती रात उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर वह आवेश में आ गया और छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।